गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस का चैप्टर 3 यूनिट 2 प्लांट्स। चैप्टर 3 में प्लांट्स अराउंड अस। आप अपने अगल बगल या घर आंगन में भी देखते होंगे, बहुत तरह के पौधे हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। They grow in almost every environment on the earth. Some plants grow on the tops of mountains, some grow in snow and some grow in desert. No matter where they are, all need sunlight, water, air and food to grow. पौधे सभी जगह उगते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, मरुभूमि हो, बर्फ हो, यहाँ तक कि पानी में भी पौधे उगते हैं। लेकिन पौधों को उगना कोई बड़ी बात नहीं है, वे सभी जगह जीवित रहते हैं। लेकिन उसको जीने के लिए सनलाइट, वाटर और एयर चाहिए, तभी वे जीवित रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पौधे जो है वे सनलाइट, वाटर और एयर के प्रेजेंस में ही भोजन बनाते हैं। विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट लिव। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड सम नेवर हैव फ्लावर्स। Plants are the different shapes and sizes. Plants are different from animals because they can make their own food. बिना पौधों के हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। पौधों में, कुछ पौधों में फ्लावर होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं। बहुत से प्लांट्स जो है डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में एक अंतर है, पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जबकि एनिमल्स को रेडीमेड भोजन चाहिए। वे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। अब प्लांट्स में, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। साइज को देखते हुए डिफरेंट टाइप्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 में ट्रीज। ट्रीज आर एवरीवेयर इन वर्ल्ड। ट्रीज आर टॉल, लार्ज एंड सम आर वेरी ओल्ड। Trees have woody stem. Trees are important in fighting soil erosion. Tree कैसे पौधे हैं? वे लंबे होते हैं, उनकी stem जो है काफ़ी hard होती है, और वे soil erosion, soil erosion मतलब मिट्टी की क्षति को रोकता है। वो धूल में मिट्टी को नहीं उड़ने देता है, पानी के साथ नहीं बहने देता है। Next, शेप साइज के अनुसार उनका टाइप्स है श्रब्स एंड बूसेज। श्रब्स एंड बूसेज आर ऑल्सो वुडी प्लांट्स बट आर स्मॉल इन साइज। श्रब्स के भी स्टेम हार्ड होते हैं, पर ट्री से इनकी साइज छोटी होती है। नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स आर प्लांट्स दैट आर वैल्यूड फॉर फ्लेवर, सैंड, मेडिसिनल एंड अदर क्वालिटी। हर्ब्स आर यूज टू कुकिंग एज मेडिसिंस एंड फॉर स्पिरिचुअल परपजेज। हर्ब्स ट्री और श्रब से छोटे प्लांट्स हैं, इनके स्टेम जो है सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट में आता है वाइन्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। वैसे पौधे जिनके स्टेम जो है काफ़ी वीक होते हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिना सपोर्ट्स के नहीं वे खड़े होते। वाइन्स भी लत है, पतले स्टेम वाले। एग्जाम्पल्स के तौर पर ब्लैकबेरी, बोगनविलिया, ये जो है वाइन्स के एग्जाम्पल्स है। क्लाइंबर्स ग्रो अपवर्ड विद द सपोर्ट। एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रेप्स, पी प्लांट। अपने घर में आप लोग देखे होंगे ध्यान से, मनी प्लांट्स जो है उनके स्टेम इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिना सपोर्ट का वे ऊपर नहीं चढ़ पाते। उसी तरह क्रीपर्स, क्रीपर्स के भी स्टेम काफ़ी वीक होते हैं। ये पौधे जो है ज़मीन पर फैलते हैं। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। एग्जाम्पल्स वाटरमेलन एंड पंपकिन। इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं। आप लोग इसको केयरफुली रीड कीजिएगा और रीकैप को लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है।